लोकसभा में गूंजा धर्मांतरण विवाद, आरक्षण न देने की डिमांड, किसान मोर्चा की बैठक आज, क्या आंदोलन खत्म करने का ऐलान होगा? हैदराबाद से कुवैत जा रही 44 महिलाएं क्यों गिरफ्तार हुई? देश से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 राष्ट्र की बात। लोकसभा में कल मांग उठी कि धर्मांतरण करने वालों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में लालच देकर धर्मांतरण का मुद्दा उठाया, तो वहीं सांसद ढाल सिंह बिसेन ने एमपी में धर्मांतरण के मुद्दे को उठाया और कहा कि धर्म बदलने वालों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। सदन में शून्यकाल में ही बीजेडी के एक सांसद ने समान नागरिक संहिता को लागू करने की भी मांग उठाई। लोकसभा में कल सरकार ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वेतन एवं सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। ये बिल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी से संबंधित है। कल सदन में इस बिल पर चर्चा हुई। आज कानून मंत्री किरण रिजिजू सदन में इस पर जवाब देंगे और बिल के पास कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में अटेंडेंस को लेकर पीएम मोदी ने सख्ती दिखाई है। पीएम ने कल कहा कि कोई बिल हो या ना हो, सदन में सभी सांसदों का रहना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी सांसद खुद में बदलाव लाए, नहीं तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की आज दोपहर में फिर बैठक होनी है। मोर्चा ने कहा है कि आंदोलन समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर आज की बैठक में फैसला लिया जाएगा। केंद्र की चिट्ठी मिलने के बाद कल किसानों ने बैठक की थी, लेकिन वे सरकार के प्रस्ताव से खुश नहीं हैं। किसानों ने एमएसपी पर कमेटी को लेकर आपत्ति जताई है। इसके अलावा भी वे कई बिंदुओं पर सरकार से स्पष्टीकरण चाहते हैं। भारत ने कल ओडिशा के चांदीपुर में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल 15 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के टारगेट को खत्म कर सकती है। डीआरडीओ ने इस मिसाइल को भारतीय नौसेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया है। हैदराबाद से कुवैत जा रही 44 महिलाओं को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से दो दो वीजा मिले हैं। एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के मुताबिक ये महिलाएं दलालों के जरिए दो दो वीजा लेकर कुवैत जा रही थीं। इनके पास एक विजिट वीजा था और दूसरा एम्प्लॉयमेंट वीजा। ये महिलाएं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गोवा की रहने वाली हैं। हरियाणा में डेंटल सर्जन भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कल पंचकुला में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने पार्टी के सीनियर लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा समेत कई नेताओं को कुछ देर के लिए हिरासत में लिया। कांग्रेस नेता भर्ती में घोटाले का आरोप लगाते हुए हरियाणा लोक सेवा आयोग के कार्यालय का घेराव करने का प्रयास कर रहे थे। झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं से 10वीं परीक्षा का विवाद अब राजभवन तक पहुंच गया है। झारखंड स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले कल सैकड़ों अभ्यर्थियों ने राजभवन के सामने प्रदर्शन किया। ये लोग प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट रद्द करने की मांग कर रहे थे। जेपीएससी में खामियों को दूर करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थी 37 दिनों से मोरहाबादी मैदान में आंदोलन कर रहे हैं। छब्बीस दिसंबर से शुरू हो रहे दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए आज टीम इंडिया का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक टीम तय कर दी गई है, लेकिन अभी बीसीसीआई सचिव की मंजूरी नहीं मिली है। पहले ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका का दौरा टलने की आशंका जताई गई थी। इस दौरे में 26 दिसंबर से 23 जनवरी के बीच 3 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज होनी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारत वर्ष पर।